रोक रहा है वो? पापा मारेंगे, मम्मी भी मारेंगी। ये पूरा कांच तोड़ दिया। Hey guys, welcome back to a new vlog. अभी मैंने ओम का जो व्लॉग था जिसमें ओम ने चैलेंज क्या कर रहा है ये? जुखाम हो गया पक्का। जुखाम हो गया गाइस इसको, मतलब इसका मैंने व्लॉग अपलोड कर दिया जिसमें इसने करी थी 24 आवर्स के लिए व्लॉगिंग एंड मजा आ गया। मुझे व्लॉग देख के इतना मजा आया ना, इसने हर जगह गाइस 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 कर रहा है। बाकी तो अभी बस जाते हैं, हम अपलोड तो कर दिया व्लॉग, टाइम भी बहुत ज्यादा हो गया, 10 बज चुके हैं एंड लिटरली बिस्तर से उठने का मन नहीं कर रहा है, तो फटाफट जाता हूँ नहाता हूँ। एंड ये चुलबुल भाई साहब, इसका बस चले तो ये मेरी सारी उंगलियां खा जाएगा भाई, मत कर भाई, खाना नहीं है, उंगली है मेरी भाई। चुलबुल समझा कर बात को, समझा कर। पापा आ चुके हैं फुल गेटअप में। सबसे पहले तो सभी दर्शकों को बसंत पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको भी, आपको आज भी। हमारा बसंत पंचमी का त्यौहार है और बच्चों को भी, आप तेरे को भी बेटा बसंत पंचमी की शुभकामनाएं, आपको भी शुभकामनाएं, आपको भी। ओम ओम सो रहा है, बसंत पंचमी की शुभकामनाएं। इसको जुखाम हो गया है, ठीक है, और फटाफट ढाक के मंदिरों पहुंच बेटा, सरस्वती माँ की पूजा करेंगे। और आज का इस दिन थोड़ा स्पेशल है और देव का, ओम का मैंने ब्लॉग कल का देखा है ब्लॉग, इसको मैंने दे दिया है 100 में से 1 नंबर। ओ भाई पता नहीं क्या, कभी कौन चिंग चैंग देख रहा, कभी ये देख रहा, कभी एक साथ इतनी पिक्चर में देख सकता है क्या, पता नहीं क्या पागलों की हरकत कर रहा है। और एक क्या वो गाइस 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 का सारा कभी गाइस ही खत्म नहीं होता। चलो ठीक है, चलो ओके चुलबुल, ओके ऑल द बेस्ट, बाय। ये ओम अभी अभी उठा है और उठते देख रहा है अपना व्लॉगिंग चैलेंज फॉर 24 आवर्स। भाई अपनी खुद की मेहनत है, अपना खुद का कमाया हुआ व्लॉग है, 100 में से 1 नंबर। बाकी अभी ओम देख रहा है व्लॉग और मैं जा रहा हूँ भाई फटाफट नहाने के लिए, मैं नहाऊंगा फिर ओम नहाएगा फिर चुलबुल को दूध कहेंगे। चलो भैया चलो चलो। अभी मैंने, पापा ने, ओम ने, सबने पूजा कर ली है और अभी मम्मी धो रही है कपड़े चुलबुल के। ये चुलबुल इतना बिगड़ गया अपने कपड़ों में, सुपोटी कर दे रहा है तो फिर क्या करे, उसमें आती गंदी वाली बदबू कमरे में, तो सारे कपड़े ले आई मम्मी छत में और सब धो रही है बारी बारी से। कुछ कपड़े यहाँ पे रखे बाल्टी में, कुछ सुखा दिए और कुछ मम्मी धो रही है अभी। बाकी तो मम्मी छत में काम कर रही है बिल्कुल मस्त और मैं ओम चुलबुल मस्त धूप सेक रहे। 3 दिन बाद कड़कती धड़कती धूप आई है तो धूप ना सेके ऐसा हो नहीं सकता। एंड इसने मेरे स्कूल की ये स्वेटर पहनी है और ये ट्राउजर पहना है, शर्म नहीं तेरे को है? शर्म आपको नहीं है, ठीक है? क्या मेरे को एक कपड़ा दिला नहीं सकते? इस गरीब को एक कपड़ा दिलाने की आपकी हैसियत नहीं है? मेरे मम्मी पापा ने मुझे गरीब जन्म दिया, आपको अमीर जन्म दिया, तो मेरी यह गलती है? जितने कपड़े मेरे पास में उनमें छेद है, आगे पीछे चार चार पांच पांच छेद है, अब आप कहां से अंदर जाती है और कहां से बाहर आती है उसका पता नहीं लगता है, और फिर से बोल रहे हो कि इसको शर्म नहीं है? शर्म आपको नहीं है। मेरी तो ज्यादा बोल रहा, बहुत ज्यादा बोल रहा है। अभी नाश्ता लग चुका है, नाश्ते में है सिंपल पूरी और रात की सब्जी आलू मटर की, ये खा रहे हैं और मैं सिर्फ 2 पूरी खा रहा हूँ। ओम भी सिर्फ 2 पूरी खा रहा है क्योंकि कल हमारे घर के बगल में है शादी, तो आज शादी से पहले कुछ घर के फंक्शंस होते हैं, तो आज दिन का खाना भी वही है, रात का खाना भी वही है, कल शादी है, परसों महिला संगीत है, तो सारा खाना भारी भारी, तो मस्त पेट भर के ठूसूंगा आज दिन में। और ये तो सिर्फ 2 ही रोटी है, असली माल तो वहाँ जाके ठूस, असली माल तो वहाँ ठूसेंगे। सो गाइस अभी पापा जा रहे हैं, तो पापा कब आओगे आप? तुम्हारा क्या प्रोग्राम है आज का? हम तो जा रहे हैं पीछे मस्त खाना खाने। तो तुम खाना यहाँ खा रहे हो आज? तो मेरा खाना बेटा दूसरी जगह है। अच्छा दूसरी जगह है, मेरे एक फ्रेंड आए हुए हैं उनके साथ मेरा लंच है। अच्छा तुम अपना यहाँ खाओ हम वहाँ खाते। ये सही है, हम यहाँ खा रहे हैं पापा वहाँ खा रहे हैं, लेकिन खा सभी रहे। चुलबुल कहाँ चढ़ गया और यहाँ से कूद पाता नहीं है, ये मम्मी को डिस्टर्ब कर रहा है काम करने में, तो मम्मी ने इसको यहाँ पे रख दिया। तो गाइस अभी क्रिकेट खेलने का बहुत ज्यादा मन कर रहा है, तो क्रिकेट खेल रहे हैं मस्त, बॉलिंग बैटिंग सब तैयार है और मम्मी जा चुकी है फंक्शन में जो मैं आपसे बोल रहा था, तो आधे घंटे में हम भी जाएंगे, तो सोच रहे कि तब तक क्रिकेट खेल लेते हैं। तो बस हम खेल रहे हैं बीट आउट, अगर बॉल छूटी तो आउट। छजा बॉल का है, खड़ी है। मैं यहाँ से कर रहा हूँ बॉलिंग, ओम वहां से कर रहा है बैटिंग, तैयार तैयार। शॉट है, शॉट है, शॉट है। भाई तो तेज मत मार, पागल है क्या भाई? मजा आ रहा है इधर, जगह मस्त। अब इधर कहां से मारूं, दीवार टूट जाएगी, इधर मारूंगा भाई, मत कर भाई, मजा आ रहा है। मारूं मैं तो धीरे धीरे, तेज मत मारना, पहले बोल रहा हूँ, तेज मत मार, तेज मत मार, टेढ़ी है, पहले बोल रहा हूँ।
भाई मत मार ना। मजा आ रहे भाई, मजा आ रहे। मत मार भाई प्लीज। गए तो हमने कांच तोड़ दिया। हाँ का यार रो क्यों रहा है? पापा मारेंगे, मम्मी भी मारेंगी। ये पूरा कांच तोड़ दिया है। आपको भाई उच्चा ये पूरा कांच तो तोड़ दिया उसने। क्या करूं मैं इस लड़के का, कभी ये दूध उबालता है, कभी ये घर के अंदर के कांच फोड़ता है, कभी ये बाहर के कांच फोड़ता है। और हैरान, इसमें भी क्रैक पड़ गया। ओ दीवार में भी क्रैक। ये तो पहले से था ये पूरा कांच टूट गया। जितना बचा वो पूरी फोड़ दे, गंदगी मचा दे, पूरा कांच फूट गया। भगवान क्या करूं मैं। तेरे को भी शर्म नहीं आती है ना? मतलब तू वो गलतियां करता है उसको समझाने की बजाय तू उसको और सपोर्ट करता है ना? अब रो रहा देखो, बड़े होने का फायदा क्या है मुझे बता दे। रो क्यों रहा है? पापा मारेंगे। पापा इसलिए ये टूट गया करके नहीं मारेंगे, पापा इसलिए मारेंगे कि 50 बार तुम्हें मना करा है कि बैट बॉल घर के अंदर मत खेलो मत खेलो, लेकिन तुम सुनते ही नहीं हो। भाई मत रो, अब हो गया जो होना था, कांच तोड़ दिया भाई। मैं क्या बोलूं, मैं ना तुम लोगों को बहुत ही इतने बदतमीज हो ना, इसको सब साफ करो, माफी तो भूल जाओ। हैं फूटा करके नहीं पिटोगे तुम पिटोगे इसलिए तुम कहना नहीं मानते हो। मैं पापा से बोल दो ना प्लीज, मम्मा प्लीज, मैं पापा बहुत मारेंगे। मां तू क्या सोच रहा है तू? ये इतना छोटा भी नहीं है कि इसको समझ में नहीं आता कि घर के अंदर नहीं खेलना चाहिए। ग्राउंड वहाँ यार एकेडमी में इसको हमने एडमिशन करवा रखा है कि वहाँ खेल, अपनी खुजली वहाँ मिटा ले, अपने आप को पॉलिश वहाँ कर ले। तो हमारे घर को क्यों तोड़ रहा है यार? इससे मैंने बोला धीरे मार ले, धीरे मार ले, धीरे मार ले, क्यों मारी क्यों ले, धीरे या तेज अब पिटेगा, याद रखना। तो इस बात को क्या बोलना, क्या बोलना, क्या पापा देखेंगे नहीं, क्या देखेंगे नहीं पापा इतना बड़ा कांच तोड़ दिया तुमने? आप कहाँ जा रहे हो? भाई रो के कुछ फायदा नहीं है भाई, क्यों रो रहा है फालतू में? इसका तेज मारा जोर। अंदर है पूरा कांच टूट गया है भाई, अब पापा तोड़ेंगे हमको। ये पूरा कांच टूट गया है, हे भगवान सब टूट गया भाई। ये शीशा भी टूट गया, ऊपर से खिसक के नीचे आ गया। अच्छा वा भाई ये नहीं टूटा भाई, ये ठीक है। अब पापा हमको तोड़ेंगे भाई, पापा इतना मारेंगे ना मेरे को मारेंगे, क्योंकि बड़ा मैं हूँ, ये तो छोटा है, कांच तोड़ा इसने। मैंने बोला भाई धीरे आराम से खेल ले, लेकिन नहीं माना ये। लेकिन पिटूंगा मैं, मारा इसने लेकिन मैं पिटूंगा भाई। और ये रो रहा है, आ जा भारब। भाई रो के कुछ फायदा नहीं है, पापा से सॉरी बोलेंगे और अगली बार से नहीं खेलेंगे भाई। मत रो भाई, अब क्या है, मत रो।